दोस्तों फाइनली अभी हम आए कॉलेज पर और आज मैं आपको अपना कॉलेज दिखलाता हूँ। देख सकते हैं यही है कॉलेज का फ्रंट, सोनावती कॉलेज। चलिए चलते हैं अंदर। और ये कॉलेज पर्यावरण से एकदम लबालब भरा हुआ है। देख सकते हैं कितना सारा पेड़ पौधा भी लगा हुआ है। ब्रो देखिए ना कितना सुंदर सुंदर पक्षी सब उड़ गया। और ये देख सकते हैं मेरा कॉलेज 3 फ्लोर बन चुका है, चौथा भी जो है बन रहा है। और फाइनली मैंने इसमें एडमिशन लिया DLED में और मेरा फर्स्ट ईयर हो चुका है। और यहाँ पे जो देख सकते हैं 15 अगस्त और 26 जनवरी मनाया जाता है। और ये एकदम पर्यावरण से भरा हुआ है। देख सकते हैं बहुत सारा जो है मंजर भी दिख रहा है आम में। इस वक्त बहुत ज़्यादा मंजर है। यही है मेरा कॉलेज, कभी आपको अंदर भी ले चलूँगा। क्योंकि आज जो है मेरा कॉलेज, ऐसे तो आज मैं क्लास करने के लिए आया था बट आज कॉलेज ही बंद है, तो मैं आपको कभी अंदर भी ले चलूँगा। और यहाँ पे पक्षी देख सकते हैं कितना सुंदर सुंदर पक्षी भी है। देख सकते हैं दोस्तों फाइनली हम आए थे असाइनमेंट लेने के लिए बट कॉलेज तो बंद है तो आज क्लास नहीं कर पाएंगे, बस असाइनमेंट ले लिए हैं, अब चलते हैं घर। और ये जो मेरा कॉलेज है उसी के बगल में एक जो है ये भी कॉलेज का ही है। इधर देख सकते हैं ट्रैक्टर और ई रिक्शा का भी जो है एजेंसी है। और ये देख सकते हैं सेक्रेटरी साहब का एकदम चमाचम वाइट वाला जो कार दिख रहा है। दोस्तों मेरे कॉलेज के बगल में ही एक भोलेनाथ का मंदिर है, गोपेश्वर नाथ महादेव मंदिर। तो अभी पहले चलते हैं दर्शन करते हैं भोलेनाथ का। दोस्तों आपको भोलेनाथ का दर्शन करवाता हूँ, चलिए। और ये जो है मंदिर कुछ ही दिन पहले जो है इनका स्थापना भी हुआ था और अभी भी काम जो है चल ही रहा है। देख सकते हैं भोलेनाथ, बहुत ही भयावह और सुंदर मूर्ति है। जय हो बाबा गोपेश्वरनाथ। तो दोस्तों फाइनली भोलेनाथ का मैंने दर्शन कर लिया है। और इधर देख सकते हैं एकदम नदी भी है छोटा सा। और यहाँ पे यज्ञ भी देख सकते हैं हुआ था, उसका कुटिया दिख रहा है आपको। हम तो इसमें शामिल नहीं हो पाए थे, तबीयत मेरा बहुत ज़्यादा बिगड़ गया था इसीलिए। जय बजरंगबली। देख सकते हैं दोस्तों बजरंगबली। और ये जितने भी यज्ञ होते हैं तो उसमें जो है बजरंगबली मतलब मौजूद रहते हैं। दोस्तों अब चलते हैं, जो भी रास्ते में आपको कुछ मिलेंगे आपको दिखलाऊंगा। और देख सकते हैं यहाँ का वातावरण, देख सकते हैं रास्ते में कितना सारा जो है आम का बगीचा दिख रहा है। और मंजर जो है देख सकते हैं कितना सारा भरा हुआ है। और रास्ते में जाते जाते इतना मन लुभ गया मेरा जो उतर गया मैं। देख सकते हैं अभी एक आम के बगीचे में है, इतना सारा मंजर है इसमें क्या बतला है। जो कॉलेज का जो रास्ता है वो एकदम सुनसान है लेकिन एकदम हरा भरा बहुत, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। देख सकते हैं चारों तरफ जो है एकदम सिर्फ और सिर्फ बगीचा ही दिख रहा है। देख सकते हैं कितना सारा मंजर है। इस बार तो आम वाले भाई साहब सब मालामाल हो जाएंगे। और आम के साथ साथ कुछ और चीज़ मुझे दिखा है। देख सकते हैं दोस्तों पाउच भी लटका हुआ है, खजूर के पेड़ पे जो एकदम लटका हुआ है, गंध एकदम मार रहा है, पूरा वातावरण जो है दूषित कर चुका है। देख सकते हैं दूर दूर तक कितना सारा आम का बगीचा है। मैं तो कभी कॉलेज आऊँगा तो एकदम बहुत सारा आम यहाँ देख सकते हैं भाई साहब, खजूर वाले भाई साहब भी हैं, कितना सारा है। देख सकते हैं सड़क के मतलब किनारे कितने सारे खजूर है। और जितने भी खजूर है ना उस पे सब पे जो है पॉलीथीन लटका हुआ है, देख सकते हैं। ओह और गमक भी एकदम आ रहा है। और देख सकते हैं आम का बगीचा उधर स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे तो आम का पेड़ दिख ही नहीं रहा है, सिर्फ और सिर्फ देख सकते हैं मंजर ही मंजर है। बहुत अति सुंदर, मेरा तो मन प्रसन्न हो गया। मंजर ही मंजर है, देख सकते हैं दोस्तों। मुझे तो मन कर रहा है DLED छोड़ करके बागवानी स्टार्ट कर दूँ आम का। बहुत अद्भुत, बहुत अद्भुत। और कुछ किसान भाई साहब जो सिंचाई भी कर रहे हैं। और अभी तक मैं जितना दूर आया हूँ सिर्फ और सिर्फ
आम का ही बगीचा है, देख सकते हैं। इस बार जो है गर्मी में आम का सीजन जो है बहुत ही अच्छा होने वाला है। दोस्तों ये जो आपको दिख रहा है ये कोई घर नहीं है, आदर्श विद्यालय है, और ऐसा होना चाहिए, हर एक सरकारी स्कूल है, देख सकते हैं, देख सकते हैं, आदर्श मध्य विद्यालय नंदिनी होना चाहिए, सरकारी स्कूल ऐसा होना चाहिए, देख सकते हैं। ये आदर्श विद्यालय के नाम से प्रसिद्ध है, मेरे कॉलेज के बगल में ही सरकारी स्कूल। और दोस्तों मेरा सबसे फेवरेट फ्लावर में से एक, देख सकते हैं कितना शानदार है, ओहो लाजवाब। पूरा चारों तरफ सिर्फ गेहूं की ही खेती है, देख सकते हैं दूर दूर तक जो है कुछ दिख नहीं रहा है, पूरा खेत ही खेत है। रोड के चारों तरफ जो है एकदम घना पेड़ पौधा है। कॉलेज जाने में मजा बहुत आता है क्योंकि यहाँ पे जो है शुद्ध एकदम हवा है और कोई आदमी नजर भी नहीं आता है। ट्रैफिक के मामले में तो ये बहुत ज्यादा सेफ भी है, लेकिन वही है ये इतना ज्यादा देख सकते हैं कितना सुनसान है तो थोड़ा सा डर रहता है, तो जानवर के मामले में थोड़ा सा डर बना रहता है क्योंकि नीलगाय ये सब जो है बहुत सारे भटकते रहते हैं इधर। ट्रैफिक का ये हाल है कि मैं सड़क पे अकेला ही रहता हूँ, बस एक ही बाइक चल रहा है अभी। अब दोस्तों बस एक दो किलोमीटर ही बचा हुआ है, तो अब इसके बाद हम पहुंचेंगे बाबा केवल स्थान, तो वहां का भी मैं आपको कुछ सीन सब दिखलाता हूँ। दोस्तों अब हम आ गए हैं बाबा केवल स्थान, शायद इसे शिवरा मेला के नाम से भी जाना जाता है, और यहाँ पे जो एकदम भयावह मेला लगने वाला है, तो आपको चलिए दिखलाता हूँ बाबा केवल का प्रतिमा। और अप्रैल में जो है ये बहुत ही भयानक मेला लगता है, बहुत ज़्यादा फेमस है। ये सब जो दिख रहा है ये सब मंदिर ही है, और मैं घर से लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूर हूँ बस। और दोस्तों यही है बाबा केवल का मूर्ति, देख सकते हैं एकदम सिक्स पैक इनका है। और इधर कुछ मेला का जो है तैयारी भी चल रहा है, साफ भी किया जा रहा है, मेला के लिए जो है टेंट सब गड़ाने लगा है दुकान के लिए। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं दर्जनों की संख्या में जो है पक्षी का घोंसला है, और मधुमक्खी का छत्ता भी बहुत सारा है, और यहाँ पे कौवा जो है बहुत सारा देखने को मिलेगा क्योंकि घोंसला जो है बहुत सारा है। और अभी मंदिर के अंदर जो है पेंट चल रहा है, बाबा केवल धाम इंद्रवारा समस्तीपुर, देख सकते हैं इन्हीं सीढ़ी के द्वारा जो है भक्त जन सब आते हैं, और यहाँ पे जो है भारी मात्रा में बलि प्रदान भी होता है। ये कैंपस, इसमें भक्त जन को ठहरने के लिए भी स्थान बनाया गया है। और अगर आपने बाबा केवल का दर्शन नहीं किया होगा तो आपने कर लिया होगा, और यहाँ पे भव्य मेला भी लगने वाला है, तो अगर होगा तो इसका भी एक मैं ब्लॉग लेकर के आऊँगा जल्दी। ये जो आपको दिख रहा है पूरा खेत सब, इसमें पूरा जो है एकदम मेला लगा हुआ रहता है चारों तरफ। उधर जो है देख सकते हैं शौचालय का भी व्यवस्था है, और उधर जो है देख सकते हैं टंकी भी लगा हुआ, पेयजल का भी व्यवस्था है, काम सब अभी बहुत सारा चल ही रहा है, तो मिलते हैं जल्दी। अब दोस्तों फाइनली आज के ब्लॉग में बस इतना ही, क्योंकि अब लगभग मैं घर के पास आ गया हूँ, और ट्रैफिक भी अब इसके बाद बहुत ज़्यादा है, तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में।